students, welcome to LogicKey. This is the fourth approach that we are going to discuss for rainwater trapping problem. And we have seen various approaches and we are moving towards the efficient solution. So this is going to be the best approach for rainwater trapping problem. Let's see how it goes. तो सबसे पहले रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम में हम एल्गोरिदम समझते हैं. एल्गोरिदम में हमें एक दो पॉइंटर्स चाहिए, लेफ्ट और राइट. सो एल जो है वो लेफ्ट मोस्ट टावर का इंडेक्स रखेगा इनिशियली और आर राइट मोस्ट टावर का इंडेक्स रखेगा. ऑल्सो वी नीड टू मोर वेरिएबल्स, लेफ्ट मैक्स एंड राइट मैक्स. इनिशियली हमने इन दोनों में 0 0 असाइन करके रखा है और यहाँ पे लेफ्ट में इसका इंडेक्स विच इज 0 और यहाँ पे 8 विच इज द इंडेक्स ऑफ राइट मोस्ट टावर. ओके, ये अब हम एक लूप चलाते हैं. इट इज लाइक लेफ्ट इस साइड में आगे बढ़ रहा है, राइट पीछे साइड में आगे बढ़ रहा है. तो एक पॉइंट आएगा व्हेन दे क्रॉस ईच अदर और उस पॉइंट पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा. तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट जो है और राइट जो है इन दोनों की हाइट हमने कंपेयर की. हियर इट इज 7, इट इज 5. ये वाला टावर बड़ा आ रहा है और ये वाला टावर छोटा है, ठीक है. अब आप सोचो ये लेफ्ट मोस्ट है ये राइट मोस्ट है. हमारी जो लॉजिक था, हमने जो लॉजिक देखा था, इट सेज कि लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में से हमें उस पे फोकस करना है जो मिनिमम है. वी डोंट वांट टू नो द मैक्सिमम वन. हमें इन दोनों में से बस हमारा फोकस है कि हमें मिनिमम मिल जाए, राइट. तो अभी इस केस में वी हैव गॉट द मिनिमम, राइट. अब इससे मैक्सिमम कुछ है, मतलब इससे ज्यादा कुछ है, हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि कितना ज्यादा है क्योंकि हमें तो मिनिमम से मतलब है, राइट. तो हमें ये मिला, ठीक है. तो हम देखो, हाइट ऑफ लेफ्ट इज लेस देन हाइट ऑफ आर, सो वी कम इन एल्स पार्ट. हम राइट मैक्स यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी राइट मैक्स कितना है, 0 और अब राइट में क्या आ गया है, 5. सो वी अपडेट राइट मैक्स, नाउ इट इज 5, ठीक है. और हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे क्योंकि देखो अगर राइट मैक्स तुम्हें मिल रहा है, समथिंग विच इज राइट में मान लो ऐसा चल रहा था, ये एक टावर था, ये एक और टावर आया जिसकी हाइट उससे ज्यादा हुई, तो ये राइट मैक्स हुआ एक तरीके से. राइट मैक्स के ऊपर आप कभी भी कुछ स्टोर नहीं करोगे क्योंकि राइट मैक्स से स्पिन हो जाएगा. तो जब भी हमें राइट मैक्स, जब भी ये कंपैरिजन ट्रू हुआ या लेफ्ट के केस में भी जब भी ये ट्रू हुआ, वी सिंपली अपडेट राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स रिस्पेक्टिवली एंड वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल जस्ट मूव अहेड. तो अब हमने पता चला कि भाई ये वाला छोटा था, ये बड़ा था, तो जिस साइड छोटा मिला था हम उस साइड में आगे बढ़े, ठीक है. तो हम यहां आगे बढ़े, आर अब कितना हो गया, 7, ठीक है. अब आर 7 हो गया, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है. लूप फिर से चला, इसकी हाइट अगेन ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, ठीक है. सो हम किस लूप में गए, अगेन इस लूप में गए. अब 7 और ये वाला, जब यहां पे आएंगे तो हम देखेंगे राइट मैक्स जो है वो कितना है, दिस इज 5 और राइट की हाइट कितनी है, 3. तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे. एल्स पार्ट में कितना होगा, 5 - 3, है ना, राइट मैक्स माइनस हाइट ऑफ दिस आर. तो ये कितना हो गया, 5 - 3, दिस एरिया दिस इज 2. तो आंसर में अभी हम स्टोर करके रखेंगे 2, ठीक है. अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम राइट, सो नाउ आर इज 6. तो आप एक तरीके से देखो, एक साइड अगर हमें कुछ बड़ा मिल गया है तो हम दूसरे साइड से चलते हैं तब तक जब तक ये वाली वैल्यूज छोटी रहे, जब तक राइट में छोटी है तब तक हम बढ़ रहे हैं, ठीक है. तो अब आर में 6 आया, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो अगेन हम इस लूप में आते हैं, राइट मैक्स हमारा अभी तक कितना था, इट वॉज 5, राइट, पर ये इससे ज्यादा है, दिस इज नाउ 6. तो वी अपडेट राइट मैक्स, तो राइट मैक्स कितना हो गया, 6, ओके, ठीक है. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम राइट, अब आर की वैल्यू हो गई है 5, ठीक है. एल ये है, आर ये है. अब देखो, अब प्रॉब्लम चेंज होगी कैसे, अब यहां पे छोटा मिला, यहां पे बड़ा टावर मिला, तो हम इस वाले लूप में आ गए, ठीक है. तो अब हम यहां से चलना चालू करेंगे, इसको फिक्स कर लिया एक तरीके से,
अब यहां से चलो ठीक है, तो यहां से जब हम चलते हैं तो लेफ्ट मैक्स कितना है, जीरो। लेफ्ट क्या एक बड़ी है क्या, हाँ इट इज नॉट सेवन, सो वी विल सिंपली अपडेट लेफ्ट मैक्स नॉट इज सेवन। ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं, अब एल को बढ़ाएंगे, आर को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आर पे तो हमें बड़ा मिल गया है, हमें किससे फर्क पड़ता है, छोटे वाले से अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। तो अब हम ये देखते हैं, अब हम यहां आ गए, एल कितना हो गया वन, ओके इसकी और इसकी ठीक है, तो अगेन हाइट ऑफ लेफ्ट इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ राइट, तो हम कंपेयर करेंगे क्या हाइट ऑफ लेफ्ट यानी कि इसकी हाइट क्या जो लेफ्ट मैक्स में रखा है उससे ज्यादा है, नहीं कम है, तो हम एल्स पार्टनर है और हम यहाँ पे कितना स्टोर कर देंगे। सी अब यहाँ पे तुम्हें लॉजिक क्लियर होगा, हमें पता है कि राइट में कुछ बड़े ही है तभी हम लेफ्ट साइड से बढ़ा रहे हैं, राइट वी आर हियर, तो हमें इसका तो क्लियर है, हम बस देख लेंगे कि जो हमारा लेफ्ट मैक्स है वो कितना है। सो दिस इज सेवन ठीक है, माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट दिस इज वन, सो यहाँ पे हम कितना स्टोर करेंगे, सेवन माइनस वन सिक्स, सो टू प्लस सिक्स, पहले आंसर टू था इसका और इसका आंसर एड हुआ सिक्स। अच्छा अगेन एड वन टू लेफ्ट, सो वी मूव हियर, अब यहाँ पे इन दोनों की हाइट कंपेयर होगी इसकी और इसकी, अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी हाइट हमने फिक्स कर दी है बड़े। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगेन इसमें आए हाइट ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, क्या लेफ्ट मैक्स अभी सेवन चल रहा है तो नहीं है भाई, तो हम एल्स पार्ट में आए, लेफ्ट मैक्स कितना है सेवन ठीक है और हाइट कितनी है इसकी फोर, सेवन माइनस फोर थ्री, तो टू प्लस सिक्स प्लस थ्री, ये वाला एरिया आ गया ठीक है। अच्छा अब जो नेक्स्ट है एल बढ़ेगा, एल आ गया यहां ठीक है, यहां पे हम देखें तो अगेन वी बी इन दिस लूप इन दिस इफ, यहां पे हम देखें हाइट ऑफ लेफ्ट क्या बड़ी है लेफ्ट मैक्स से, नहीं इस टाइप की तो कोई हाइट ही नहीं है, सो हम एल पार्ट में गए, लेफ्ट मैक्स हमारा कितना है सेवन ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट कितना है जीरो, सेवन माइनस जीरो सो दिस इज सेवन, तो इससे हमारा ये पूरा एरिया मिल गया हमको ओके। अब एल को हम फिर इंक्रीज करते हैं, सो नाउ एल इज फोर, अच्छा एल फोर आर फाइव, इसका और इसका कंपैरिजन हो रहा है, सो अगेन लेफ्ट की हाइट छोटी है, इसकी हाइट छोटी है इसकी बड़ी है, हम फिर से इस लूप में गए, तो यहाँ पे लेफ्ट मैक्स से हमने लेफ्ट की हाइट को कंपेयर किया, मतलब इसकी हाइट को कंपेयर किया लेफ्ट मैक्स से, दिस इज सेवन ठीक है, तो अगेन हमें पता चला इसकी हाइट तो छोटी है, कोई अपडेट नहीं होगा, एल्स पार्ट में जाएंगे यहाँ पे, तो लेफ्ट मैक्स कितना है सेवन और हाइट कितनी है स्टार्गो की टू, राइट सेवन माइनस टू फाइव, वी लेट फाइव इन द आंसर, और फिर हमने एल को बढ़ा दिया तो अब एल की वैल्यू हो गई फाइव। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों की वैल्यू हो गई सेम, ये कंडीशन हो गई फॉल्स और यहां से हम ब्रेक कर जाएंगे ठीक है, सो इन दिस वे हमने पूरा मूव किया एंड हम आंसर को स्टोर करवाते गए, तो कितना आया टू प्लस सिक्स एट प्लस थ्री इलेवन प्लस सेवन एटीन एंड फाइव ट्वेंटी थ्री यूनिट्स ओके। सो इसमें एट्रेशन कितना लगा, हम कितना ट्रैवल किया इसमें, तो हम लोगों ने ट्रैवल किया है सिर्फ एक बार, राइट हमने हर टावर पे सिर्फ एक बार गए, सो दिस इज लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई जस्ट वन ट्रैवर्सल, सो इट इज ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बेस्ट आ रही है आपकी क्योंकि आप इसमें कोई एरे मेंटेन नहीं कर रहे हो, कोई स्टैक यूज नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स के लिए चाहिए था, एल के लिए आर के लिए, सो इट इज ऑर्डर ऑफ वन ओके। सो we have seen all the four approaches now and I think now you can give some suggestions if you want, you can give your feedbacks and also one thing I'd like to add ki aap ye problems ko try bhi kar sakte hain, like jo online coding platforms hote hain, if you know about CodeChef, HackerRank,
तो आप इन सब पे जाके आप ये सबमिट कर सकते हैं. लाइक वहां पे आप सर्च करेंगे, आपको रेन वाटर ट्रैपिंग मिलेगा और आप उसको सबमिट कर सकते हैं. एंड आई वुड लाइक टू सी इन द कमेंट्स दैट हाउ मेनी हैव यू एक्चुअली ट्राइड इट ऑन एनी कोडिंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच.